हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल एंजॉय स्टडी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में, यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पेशली फॉर होगा 10th क्लास। आज हम बात करेंगे मेनली मीन के बारे में कि मीन शॉर्ट वर्ड मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए बता दो, जो मीन जो टॉपिक है वो 9th 10th प्लस 11th क्लास, यानी जो बच्चे 11th क्लास में स्टैटिक्स लेते हैं उन बच्चों के लिए भी यह काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी, तो आप 11th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आज चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मीन बाई शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज, कि इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने आपके लिए अभी एक क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी बोर्ड पर, हाउ टू फाइंड मीन बाई इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का यूज करके हम मीन को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपके पास मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है जहां पर आपको दे रखा है कि फाइंड आउट मीन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको आपका क्या निकालना है, मीन निकालना है। आपको मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स आपके मार्क्स दे रखे हैं, आपको जो मार्क्स दे रखे हैं उसका आपको मीन यानी एवरेज वैल्यू निकालनी है मार्क्स की। चलिए शुरू करते हैं। दैट मींस जो हमारा जो यहां पर जो आपको टॉपिक नहीं आंसर सीखेंगे, हाउ टू फाइंड मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द सीरीज इंडिविजुअल सीरीज। आप सीधा अपने क्वेश्चन पे आप जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम इसमें लिखते हैं। तो आपको जो दिया उसको लिखो 10, 10, 9, 8, 7, 12। आप इसको चाहे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मीन में ये कंपलसरी नहीं है कि अपनी इंफॉर्मेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। जबकि जब हम मीडियन करते हैं तो वहां पर दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बात की एक्स की, हमने अपने इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखा वर्टिकल फॉर्म में। अब जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार हम लिख देते हैं। वो आपका कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। तो आपका होता है सिग्मा, आपका जो फॉर्मूला होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू, आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास दो न्यू टर्म आई है, दैट इज ए दैट इज डी, कि ए डी के ए कैसे निकलता है और डी कैसे निकलता है। तो हम यहाँ पर पहले बात करेंगे ए के बारे में। ए आपका निकलेगा ए इज फाइंड फ्रॉम एक्स, तो हम एक्स में से अपना क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन है, तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि बीच में से किसी भी पॉइंट को हम उठा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका ए होगा वो आपकी वैल्यू बिटवीन ही होना चाहिए, आप ऊपर नीचे कहीं भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो एक बार आप ट्राई करने के लिए ए को ऊपर या नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं। हम लोगों को इजी करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन का जो मिड पॉइंट है, यानी जो बिल्कुल बीच में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स की वैल्यू को हम ए लेंगे, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए इजी करने के लिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, और सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल उठाया गया है ताकि कंपैरिजन करने में हम लोगों को इजी हो। तो यहाँ से आप दोनों मेथड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने ए लिया है 10, मैं ए ले रही हूँ 10 को, आप क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करो तो आप लेना 9 या 8 को, फिर देखना कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही आंसर निकलता है या नहीं निकलता है। तो सीधा अब हम निकालेंगे अपना। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है,
सिग्मा डी, यानी आपको क्या निकालना है डी। और जी डी जो निकलेगा, डी का आपका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी डी कैसे निकलेगा भाई, एक्स माइनस ए, एक्स में से क्या माइनस कर दो, ए माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल कर आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए यानी 10 माइनस 10 15 माइनस 10 9 माइनस 10 8 माइनस 10 7 माइनस 10 12 माइनस 10, ये आपका यहाँ से निकल कर आ गया। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 10 माइनस 0 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और -2, तो ये आपका यहाँ से कैलकुलेशन आ गया है। अब हमें अपने क्वेश्चन में चाहिए सिग्मा डी, तो हम सिग्मा डी कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है, जो प्लस वाली वैल्यू को एक साथ रखी है, तो जो आपको मेन जो प्लस वाली जो वैल्यू है वो एक ही है 5, और ये सारा आपको माइनस का गिवन है। तो -3 -2 -2 -1, दो दो और एक तीन, तीन और तीन छह और दो आठ, यानी माइनस का 8 और प्लस का आपके पास कितना है 5, तो आंसर आपके पास कितना आया -3। तो आपका जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स बार इक्वल टू जो आपके पास ए आया है दैट इज कॉल्ड 10, यानी ए हमारा कितना आया 10 आया है, सिग्मा डी आपका निकल के आया है -3, और एन इक्वल टू जो आपको इन्फॉर्मेशन है एन इक्वल टू आपका कितना कितने नंबर है भाई, कितने बार की है 6, यानी एन इक्वल टू 6। हम इसको क्लियर है, तो यहाँ पर आपका -1/2, तो आपका आ जाएगा 10 प्लस -1/2, यानी यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इक्वल टू -1/2 यानी आपका हाफ, तो एक्स इक्वल टू 9.5। आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी मेथड का यूज करके निकालोगे तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल सेम, यानी आपका जो मीन निकलेगा वो तीनों ही मेथड से इक्वली निकलेगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को जो डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने किया था वो हमने सेम एग्जांपल लेके किया था, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार वहां से आपको क्वेश्चन को जरूर देखना और कंपैरिजन करना कि आप लोग इसमें डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में हमारा मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हमारा होगा डिस्क्रीट सीरीज से शॉर्टकट मेथड से हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं।